पावली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक व्यवसायी के घर में फेन लगाकर नगद 3,90,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने भोसलेवाड़ी लक्षरी बाग निवासी सुनील संपतराव पाटिल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शहर के युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर 7,50,000 रुपए का चूना लगाया गया। इस प्रकरण में तेंतोली पुलिस ने कृषि अधिकारी सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विधायक विकास ठाकरे के हस्ते पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक नंबर 12 में झिंगाबाई टाकली प्रभाग के गीतांजलि मैदान समीप नाला संरक्षण दीवार, सीमेंट रास्ता, समाज भवन का निर्माण, सीवर लाइन का निर्माण आदि कार्यों का भूमि पूजन हुआ। सिंचाई परियोजनाओं में निर्मित होने वाले बांध के रखरखाव तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में निचले स्तर पर के गांवों की सुरक्षा को नजरअंदाज किए जाने से हो रही परेशानी को लेकर माननीय चौधरी एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय में राजकुमार बाघ को छोड़ने के बाद रविवार को सुबह से ही गोरेवाड़ा जंगल सफारी गेट पर पर्यटकों को हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटक गेट पर पहुंच राजकुमार बाघ को देखने की मांग करने लगे। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में सिटी में बारिश भी हो सकती है। 14 दिसंबर को भी सिटी का मौसम अधिकतर बदरीला होगा और 1-2 स्पेल की हल्की बारिश हो सकती है या फिर बौछारें पड़ सकती है। वही 15 से 19 दिसंबर तक फिर आंशिक बदली का मौसम बना रहेगा। रेलवे सुरक्षा बल नागपुर द्वारा पूरे मंडल में एक ही दिन ताबड़तोड़ छापेमारी कर महिला समेत 9 अवैध टिकट एजेंटों को धर दबोचा। उनके पास से 31,746 रुपए की 14 लाइव टिकट और 195 पुरानी टिकटों में समेत कुल 3,43,152 रुपए की टिकटें जब्त की। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कोविड-19 पर नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के अलग अलग प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मनपा द्वारा अब इन कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर लगाई जा रही सभी अटकलों पर बीसीसीआई ने रविवार को विराम लगा दिया। बीसीसीआई अपने घरेलू सत्र की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट से करेगा, जिसके मैच 10 से 31 जनवरी के बीच 6 राज्यों में खेले जाएंगे। रविवार को अवकाश के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जारी दिशा निर्देशों का आलम यह रहा कि गांधीबाग में केवल अवकाश के दिनों में लगने वाले अवैध बाजार पर मनपा के प्रवर्तन विभाग का डंडा चला। दोपहर को जैसे ही दस्ता अग्रसेन चौक होते हुए नंगा पुतला चौक की ओर आते दिखाई दिया, फुटपाथ और सड़कों के किनारे दुकान लगाकर बैठे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।